हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल बी पॉजिटिव विद पिया। सो फ्रेंड, जैसे टाइटल देख के आपको पता ही है, मैंने जो हेयर पैक बनाया है, जो है ना, अप्लाई किया है। सो आपके साथ वो रिज़ल्ट आप शेयर कर रही हूँ और पैक भी शेयर करूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो आप देख सकते हो हेयर में मेरा लाइट एकदम ब्राउन कलर आया है। सो नेचुरल कलर है, ये हेना के कलर है। ठीक है गाइस, नेचुरल कोई कलर मेरे हेयर पे नहीं है। सो नेचुरल जो कलर है, मैंने हेना करने के बाद आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। सो बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की स्मूथ मेरा हेयर हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। अगर नहीं ट्राई कीजिएगा तो नहीं यकीन आएगा गाइस। बहुत सॉफ्ट सिल्की एंड स्मूथ एंड स्ट्रेट हो गया मेरा हेयर। आप देख सकते हो कलर, अगर आपको मेरा हेयर का जो कलर आया है, इफेक्ट अगर दिख रहा है तो मेरा फ़ोन अगर कैच कर पा रहा है तो सो देख सकते हो आप। सो गाइस, जो हेयर है, जिसका जैसा हेयर लेंथ है, शॉर्ट है तो शॉर्ट आपके हिसाब से भी, और लॉन्ग जिसका हेयर है, सब हेयर को स्ट्रेट स्मूथ कर देगा। सो हेयर जो रेमेडी है, सो चलिए शेयर करते हैं। सो मैंने पहले पानी गर्म कर लिया था गाइस, उसमें चाय का पत्ती, 2 टेबलस्पून चाय का पत्ती, 1 कप पानी में ऐड करके चाय पत्ती बना लिया था। वाटर जैसे ठंडा करके आप स्ट्रेनर की मदद से छान लिए, एक स्टील के बर्तन में मैंने डाल लिया है। सो मैंने हर्बी आयुर्वेदिक जो हेना होता है पाउडर, ये नॉर्मल एंड नेचुरल हेना है, कोई कलर एडिट नहीं है गाइस। सो ये वाला, ये 200 ग्राम्स का है हेना पाउडर, मेरा हेयर के अकॉर्डिंग। आप अपने हेयर का लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले लेना, ठीक है, आपको जितना ज़रूरत है। सो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। करने के बाद ज़्यादा पानी पहले मत डालना, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में ऐड करना, ठीक है। फिर मैंने इसमें दही ऐड किया है, ये पैकेट वाला ख़रीदा हुआ दही है दुकान से, और आप घर में जो दही बनता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। सो एक एक मैंने ऐड कर लिया का लेंथ के साथ, तो 2 भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये एक ही डाला है। सो कुछ मिक्स करने के बाद ऐसा आ जाएगा। फिर मैंने नेस्ले का जो कॉफ़ी पाउडर है, मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लिया है। आप अपना अगर हेयर शॉर्ट है तो 1 चम्मच, मेरा जैसा है तो 2 टेबलस्पून, एंड और भी लंबा हो तो 3 चम्मच आप ऐड कर लेना, ठीक है गाइस। सो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना है उसमें ऐड कर देंगे। कर देने के बाद सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ऐसे ही गाइस एक रात ओवरनाइट रख देंगे। जितना टाइम इसको भिगाने के लिए रख देंगे तो बहुत अच्छा इसका कलर आता है, ठीक है। मैं एक पैकेट ले रही हूँ गाइस, आप एक पैकेट में ऐसे सील करके रख सकते हो। रैप करके अगर रखिएगा तो हवा नहीं आएगा इसके अंदर, तो इसका कलर आएगा नहीं, हवा जाएगा भी नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। सो ऐसे मैंने सील कर लिया है पैकेट, एक पैकेट ऐसे ही रैप कर देना आप भी अगर करना हो तो। सो बहुत अच्छा रिजल्ट इसको मिलेगा। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं ये पैकेट खोल रही हूँ। सो कुछ देख सकते हो गाइस, इस तरह के से हो गया है इसका जो स्ट्रक्चर। फिर मैंने एक लेमन कट करके उसका जूस मैंने ऐड करूँगी। सो आप एक भी, आपका अगर लेंथ ज़्यादा है तो एक कर देना, अगर शॉर्ट है तो हाफ लेमन जूस ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छे से मिक्स करके देन उसके बाद हेयर में अप्लाई करूँगी, ठीक है गाइस। अगर फर्स्ट कंघी से अच्छे से कोम कर लेना, उसके बाद जो है ना पैक है थोड़ा करके लगाना। मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहले ऐड किया था गाइस, फिर मुझे दिक्कत हो रहा था इसलिए मैंने खोल के प्लास्टिक का जो पैकेट होता है वो मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, हाथ से भी कर सकते हो। हाथ में से करने से थोड़ा कलर आ जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो गाइस, ये करने के बाद पूरा लेंथ से लेकर टिप तक पूरा हेयर में अच्छे से, जो भी आपका जितना भी हेयर है स्कैल्प से लेकर टिप तक पूरा अच्छे से आप लगाना। और बाद में गाइस पार्टीशन करके ऐसे करके रख सकते हो, और पूरा एक ही जूड़ा करके भी रख सकते हो, आपका जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे ही रख देना। उसके बाद एक मैंने गाइस इसमें हेयर को एक पैकेट कर में पूरा
रैप करके मैंने रख दिया था। अगर हवा नहीं आएगा, सूखेगा नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा, हेयर टूटेगा नहीं, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल आप रख देते हो तो हेयर बहुत हेयर टूट बीच बीच में से सूख जितना सूखता है टूटता है बाद में, ठीक है। सो ऐसे करके रखिएगा तो हवा नहीं लगेगा तो हेयर कम टूटता है। उसके बाद में 2-3 घंटे रख के वॉश कर लूँगी नॉर्मल पानी से, शैम्पू नहीं करूँगी। उसी दिन रात को मैं ये ऑयल बना रही हूँ गाइस, ये ऑयल ऐड करूँगी। देखिए ये मैंने एरोमा ब्लॉसम कोचर का पहले मैंने कैस्टर ऑयल, फिर पैरासूट का कोकोनट ऑयल ऐड किया है, फिर गुड्स वाइब्स का जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है वो मैंने 2 ड्रॉप्स ऐड किया है, और एक विटामिन ई का कैप्सूल का जो ऑयल है वो भी ऐड कर दिया है। सो इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। आप अपने हिसाब से गर्म कैसे भी कर सकते हो, गर्म करके तो इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। जिस दिन हेना लगाऊंगी नॉर्मल पानी से धो के, उस दिन शैम्पू नहीं करूँगी, ठीक है, नहीं करती हूँ मैं। तो उसी रात को अच्छे से मैं ऑयलिंग करती हूँ। मैंने ये जो वीडियो का क्लिप मैंने अच्छे से मैंने शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए पिक्चर ही डाला है गाइस। फिर नेक्स्ट दिन में शैम्पू किया है। सो नेक्स्ट शैम्पू करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा हेयर हो गया है। अब नेक्स्ट दिन शैम्पू करना। सो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।